शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1500 अंकों की गिरावट, निफ्टी में भी 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि शेयर बाजार के लिहाज से बात करें तो आज आप कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा दिन नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाली ये बात है। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि निफ्टी में भी 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। आप जानते हैं 9 बजते ही शेयर बाजार खुलते हैं और ऐसे में शुरुआती कारोबार की हम बात कर रहे हैं। हालांकि दिन भर किस तरीके से आंकड़ा रहता होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सुबह सवेरे शेयर बाजार के लिहाज से ये खबर ज्यादा अच्छी नहीं सामने आई है। और आप देखिए निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा बात अगर सेंसेक्स की करें तो 1500 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की गई है। हालांकि आज पूरा दिन कैसे रहता है, क्या ये आंकड़े रहते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं और अच्छी खासी उम्मीद वो करते हैं कि मार्केट से उनको रिटर्न में अच्छा मुनाफा हो, लेकिन शुरुआती बाजार की आज बात करें तो ये गिरता हुआ नजर आया है। और पहले से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शेयर बाजार में सुनामी आ सकती है और कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार के पांव भी जो है वो उखड़े हैं। चाहे हम अमेरिका की बात करें, कल भी हम आपको वहाँ के क्या हालात हैं और ये कह रहे थे कि आगे इसका असर हिंदुस्तान पर भी नजर आ सकता है।